श्री हरिहर हॉस्पिटल। तो मेरा नाम केसंग बोध है, मैं डीएवी मोहल की छात्रा हूँ। आज जब मैंने ये राखियाँ देखी तो मेरा ऐसे दिल इतना खुश हो गया कि बच्चों ने इतनी मेहनत से इतनी प्यारी प्यारी राखियाँ बनाई है। मतलब एकदम ऐसा लग रहा था कि भाई इनसे इतनी उम्मीद। और मैं अपने स्कूल से अपने प्रिंसिपल मैम को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी जो इन्होंने इतना अच्छा एग्जीबिशन हमारे लिए ऑर्गेनाइज करवाया है। और नव चेतना ऑर्गेनाइजेशन को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, उन्होंने भी ये ऑर्गेनाइज करवाया है। और जो राखियाँ देख के मैंने अभी राखियाँ खरीदी और ये राखियाँ इतनी सुंदर थी, इतनी खूबसूरत राखियाँ थी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि बाज़ार की राखियाँ तो इनसे मतलब एकदम टक्कर वाली राखियाँ थी। मतलब इतनी प्यारी राखियाँ लगी मुझे तो। और लास्ट में मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सबको जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया है। समाज को इनकी मदद के लिए ज़रूर आगे आना चाहिए, क्योंकि अब देखो आज हम यहाँ स्कूल में बैठकर ही इनकी मदद कर पा रहे हैं। हर एक समाज में हम सबको इनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अभी हम इनकी मदद राखियाँ खरीद के कर सकते हैं। तो सब समाज, पूरे समाज को हमारे मतलब मदद करनी चाहिए। माय सेल्फ कशिश, मैं डीएवी स्कूल में पढ़ती हूँ, डीएवी मोहल में। और आज हमारे स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की एक राखी का एक एग्जीबिशन लगा था जो कि बहुत ही सुंदर था। लिटरली कहूँ तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि राखियाँ इतनी अच्छी होगी। बिल्कुल बाज़ार से ख़रीदी हुई राखियाँ लग रही थी और वो बच्चों ने इतनी सुंदर बनाई थी कि उस पर प्यार झलक रहा था। सच कहें तो जो हम लोग राखियाँ खरीदते हैं, बाज़ारों से खरीदते हैं, वो इतनी सुंदर ज़रूर होती है लेकिन उनमें प्यार नहीं झलकता शायद उतना जितना इनमें झलक रहा था। मुझे बहुत खुशी हुई आज राखियाँ देखकर, इतनी सारी राखियाँ देखकर। और ज़रूर मैंने उन्हें ख़रीदना भी है और मैं अभी ख़रीदूँगी भी। मुझे बहुत अच्छी लगी वो सभी राखियाँ और उन बच्चों का प्यार। मैं उन सब की एक कृतार्थी हूँ, उन सबका मुझे थैंक यू बोलना है, उन सभी बच्चों को जिन्होंने इतनी प्यारी प्यारी राखियाँ बनाई। मैंने नवचेतना चारू ऑर्गेनाइजेशन की राखियाँ खरीदी भी हैं और मुझे वो बहुत अच्छी लगी है। सारी राखियाँ बहुत प्यारी प्यारी बनाई गई। सबसे पहले तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि स्पेशल चिल्ड्रन के लिए कुछ भी वोकेशनल ट्रेनिंग्स उनको दे रही हैं ताकि वो राखी बना सके या कैंडल्स बना सके, और उनको एक स्वावलंबी बनाने के लिए एफर्ट कर रही हैं। सो आई कंग्रेचुलेट देम। और ये हमने मैसेज अपने बच्चों को भी दिया कि हम किसी तरह से भी इस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकते हैं। और आई रियली फील प्राउड कि हमारे बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया और जो उन बच्चों ने अपनी मेहनत से राखियाँ बनाई थी वो सभी बच्चों, स्कूल के बच्चों ने खरीद के और इस किसी भी तरह से ये जो स्पेशल चिल्ड्रन है उनको हेल्प किया। और एक ये चैरिटी का बहुत अच्छा काम उन्होंने किया और जिससे कि स्कूल को बहुत अच्छा लगा कि बच्चों में ये फीलिंग आई कि हमें कैसे दूसरों की हेल्प करनी चाहिए।